कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज देश का पहलवान, कुछ दिनों पहले देश का किसान रोड पे था, नौजवान रोड पे था, आज जिस प्रकार से पहलवानों के साथ ये अन्याय हो रहा है और देश की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और आज उन्हीं बेटियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और उन्हीं के ही भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है उनकी, उन्हीं के सांसद पे ब्रजभूषण उसके ऊपर खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके। नमस्कार, मैं आपका आरजे ब्रजवासी और आपका स्वागत है हमारे आरजे तक न्यूज चैनल में। हमारे भाई हैं जो राजस्थान से आए हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर पर और पहलवानों के समर्थन में समर्थन करने आए और जो आंदोलन चल रहा था 21 तारीख तक का टाइम मांगा था लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है और आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से हैं। तो भाई राम राम सभी भाइयों, राम 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 राम, और हमारे दर्शकों को राम राम, सभी साथियों को नमस्कार। कहाँ से हो? मैं राजस्थान के सीकर जिले से। तो भाई आप जो है पहलवानों का जो ये आंदोलन चल रहा है इस मुद्दे पर बात करने आए हो? जी जी, हमें जो पिछले 20-22 दिन से यहाँ देश का पहलवान देश की सत्ता के खिलाफ बेटियों के सम्मान में किसान मजदूर नौजवान सब इनके समर्थन में हैं और हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि देश का सबसे बड़ा और मजबूत क्रांतिकारी छात्र संगठन SFI है, हम तमाम संगठन के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां उनके समर्थन में आए हैं राजस्थान से। राजस्थान से तो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज देश का पहलवान, कुछ दिनों पहले देश का किसान रोड पे था, नौजवान रोड पे था, आज जिस प्रकार से पहलवानों के साथ ये अन्याय हो रहा है और देश की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और आज उन्हीं बेटियों के साथ सेक्सुअल कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार जिस तरीके से तानाशाही पे उतर आई है और लगता नहीं है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बची है। तानाशाही तरीके से जो सरकार है हर वर्ग की आवाज को दबाने का काम कर रही है। पहले 1-1.5 साल तक किसानों की आवाज को दबाया था, इस देश की महिलाएं, इस देश के नौजवान, इस देश के विद्यार्थी वर्ग हर मसले पे सरकार ने जो लाठी के दम पे गोली के दम पे जो किसानों की मजदूरों की आवाज को दबाने का काम किया और अब पहलवानों की बारी है। रात इंदौरी साहब ने एक लाइन कही थी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जरूर, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वो बात आज पहलवानों पे लागू हो रही है, वो बात आने